एक व्यक्ति था जिसको कि दिखावे का बड़ा शौक था। एक बार क्या हुआ कि उसके घर पे कुछ रिश्तेदार आए। अब वो जो है उनको इम्प्रेस करना चाहता था। उसने सोचा कि इनको कैसे इम्प्रेस किया जाए। तो उसे याद आया कि उसके एक पड़ोसी हैं जिनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा है। उन्होंने सोचा अगर इस घोड़े को मैं ले आऊं और अपने रिश्तेदार को इस पे सवारी करवाऊं तो वो जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। तो वो अपने पड़ोसी के पास में गया और उससे कहा कि प्लीज़ आप मुझे अपना घोड़ा जो है दे दीजिए थोड़े समय के लिए। वो जो पड़ोसी था उसने कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपको जरूर अपना घोड़ा देता लेकिन मेरा घोड़ा है नहीं अपने अस्तबल में, वो बाहर कहीं गया हुआ है। खैर ये आदमी डिसअपॉइंट हो गया, वापस आने लगा। जब वो गेट पे पहुंचा ही था तभी उसको अंदर से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आने लगी। वो दौड़ता दौड़ता वापस अपने पड़ोसी के घर गया और उससे उसने कहा अरे तुमने तो कहा था कि घोड़ा है नहीं घर में, वो तो उसकी आवाज़ मुझे अभी तुरंत सुनाई दे रही है, वो तो घर पे ही है, प्लीज़ मुझे घोड़े को दे दो। वो आदमी झल्लाते हुए बोला कितने मूर्ख आदमी हो तुम, तुमको घोड़े की जुबान तो समझ में आती है, इंसान की जुबान समझ में नहीं आती। दोस्तों ये जो कहानी है ये हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। सबसे पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि ये जो पड़ोसी था वो इसको घोड़ा देना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने झूठ बोला। जब यह आदमी वापस जा रहा था तो इसको समझ में आना चाहिए था जब उसने घोड़े की आवाज़ सुनी कि ये जो आदमी है पड़ोसी है वो उसको घोड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं लगाया और तुरंत वो आदमी के पास पहुंचा और पड़ोसी से घोड़ा मांगने लगा। तो ये एक बहुत ही मूर्खता भरा काम था जिसकी वजह से उसको धुतकार सहनी पड़ी। तो दोस्तों इस कहानी से हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह सीखनी चाहिए कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतने में ही पैर पसारना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो दिखावे के चक्कर में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उधार लेते हैं और उस क्रम में अपनी ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहें बजाय इसके कि दूसरों के पैसे लें और उससे जो है आप दिखावा करें। दूसरी शिक्षा हमको ये मिलती है कि आदमी का जो नेचर है, ज़्यादातर आदमियों का वो ऐसा होता है कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, वो हिपोक्रिट होते हैं। इसीलिए किसी भी आदमी की बात पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि किसी आदमी की बातों में और कर्म में सामंजस्य ना हो, जो वो कहे वो करे, तब तक हमें ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर हमें एक बार पता चल जाए कि आदमी जो है वो झूठ बोल रहा है, ऐसे आदमी से हमें डिस्टेंस बना करके रखनी चाहिए। तीसरी बात दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर आप किसी से गिफ्ट लें तो हमेशा ये नियत रखें, हमेशा ये सोच रखें कि आपको उस लेवल की गिफ्ट या उस लेवल की चीज़ को वापस भी करना है। और दोस्तों जो चौथा लेसन है इस स्टोरी के अंदर वो ये है कि हमें दोस्ती अपने से बराबर वालों के साथ में करनी चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो हमें हमेशा जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगी और हम कभी भी लाइफ को अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। दोस्ती हमेशा बराबर के लोगों में की जाए तभी सबसे ज़्यादा सुखदायी रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो छोटी सी स्टोरी है इससे हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं और अगर इन लेसन्स को हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बन सकती है।